यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हाईवे किनारे ठेके को हटवाने के मामले में और शराब की खरीद पर बिल ना देने के मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर अब कोई ठेकेदार शराब की बोतल की खरीद पर बिल नहीं देता है तो अब उसे भी इस केस में पार्टी बनाया जाएगा। साथ ही हाईवे किनारे 260 ठेकों को दिए गए नोटिस के मामले में भी कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और अंबाला में एक ठेके को हटाने को लेकर हुए विवाद के मामले में भी कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 18 तक इसकी भी रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कुमार रमेश हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, जिस तरीके से हाईवे जो है हाईवे पर से ठेके को हटवाने का ये मामला है, इसे लेकर ज्यादा जानकारी आपके पास क्या है? देखिए, हरियाणा के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर कई जगह ठेके खुले हुए हैं जो साफ तौर पे सड़कों पे चलने वाले जो लोग हैं उनको सीधे आकर्षित करते हैं। बात को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और ये कहा गया है कि सरकार कहीं ना कहीं इन ठेकों को हटवाए। और इसके अलावा उसमें जो नोटिस जारी किया था उस पर भी विभाग ने कोई खास कार्रवाई नहीं की थी और ना ही उस पर अपना जवाब दाखिल किया। उसको लेकर के हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया और आज फिर इसी मामले में तारीख है और आज ये माना जाता है कि कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था कि जितने भी हरियाणा से निकलने वाले नेशनल हाईवे हैं उनके किनारे ठेके नहीं रहेंगे और जो राहगीर हैं जो चलते हैं हाईवे पे उनको किसी भी तरीके से आकर्षित नहीं करेंगे। तो आज इस मामले में सुनवाई है और ये माना जा रहा है कि अंबाला के जो मामले में संज्ञान लिया गया है उस पर हाईकोर्ट कुछ ना कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। जरूरत इसमें देखने की है कि सरकार की ओर से क्या पक्ष दाखिल होता है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार रमेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या संज्ञान जो है वो सरकार की ओर से लिया जाता है।